सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा में रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जब मैं कुछ बन जाऊंगी तभी घर वापस आऊंगी। मानव तो हमें वो सारे गहने वापस कर चुका है, तो क्यों ना हम वो हार आई से मांगकर और उसे तुड़वाकर। मंजू, वो गहने अर्चुके थे, अर्चुके हैं और हमेशा अर्चुके रहेंगे। ये गहना मेरे मानव ने पहनाया है और इसका और मानव का भी कोई रिश्ता नहीं है। मेरे बेटे ने देखा इसके गले में मंगलसूत्र और मुझे बताया, आई जा अपना मंगलसूत्र लेके आओ। वो खुद ही आने वाला था, फिर अच्छा नहीं लगता तो बोला आई तू ही जा वापस लेके आ, इसलिए मैं मांगने आई हूँ। चल देख, दे 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 दे, जल्दी निकाल कंगन, निकाल मंगल। ए सुलोचना ताई, वो निकाल के दे मंगलसूत्र। जी, अगली बार कोशिश करूंगा कि सोने के। ये भी बहुत अच्छे हैं। निकाल मंगल सूत्र निकाल। अरे निकाल ना मंगल सूत्र। रख इधर। पावती घर जाने के बाद भेज दूंगी, ऐसे हिसाब में पक्की हूं मैं। हाँ मानो बेटा, विसर्जन ठीक से हुआ ना? हो काका। काका एक बात करनी थी आपसे। बोलो ना बेटा,
काका आज तालाब पर अर्चना भी आई थी विसर्जन के लिए। काका उसने अभी तक वो कंगन और वो मंगलसूत्र पहन रखा है जो मैंने उसको दिया था। इसका मतलब तो यही हुआ ना काका के वो रिश्ता बचा के रखना चाहती है। हाँ काका, मेरा हौसला बढ़ गया है। जिस विश्वास के साथ उसने मेरे प्यार की निशानी को बचा के रखा है, उस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा काका। मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर दूंगा काका। अरे आई, तो किधर रह गई थी? वो दस नंबर वाली मीनाक्षी है ना, उसे बातचीत कर रही थी, मिली थी ना। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। आई मैं। क्या करूं मैं, मानो एक के बाद एक ख्याली पुलाव पकाते जा रहा है। अगर उसको पता चला कि आई ने अर्चना से मंगलसूत्र और कंगन निकाल लिए तो और भड़क जाएगा। ये कैसे छुपाऊं मैं उसे? बेटे ने देखा इसके गले में मंगलसूत्र और मुझे बताया। आई जा, अपना मंगलसूत्र लेके आओ। अर्चना के गले में जो पहनाया है ना, वो लेके आओ। अरे देवा, इस महीने तो कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया है। पहले गणपति, फिर नवरात्र और फिर पता नहीं क्या क्या। अरे विनोद की तो पूरी सैलरी हवा हो गई है। अब अगर घर में कोई भी खर्चा आया ना, तो वो जरूर मुझसे ही पैसा मांगेगा और मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगी। मैं ना 200 रुपए ऊपर रखती हूँ और ये बाकी के 3000 छुपा देती हूँ। अरे मंजू, वो किराने का बिल लेने के लिए आदमी आया है। कुछ पैसे चाहिए थे। कितना बिल आई? 800 रुपए। आई, इतना कैश तो इस वक्त मेरे पास भी नहीं होगा। वो नवरात्रि की पूजा में सारा का सारा कैश खर्च हो गया।
मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जाते वक्त बैंक से निकाल लूंगा। किराने वाले को बोलो ना, वो कल आकर ले जाएगा। अच्छा आई एक मिनट, मंजू तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मैं देखती हूँ एक मिनट। ये मेरे पास अभी तो सिर्फ 200 रुपए ही है, वो भी मैंने अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए बचा के रखे थे। आई, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आप ही पैसे रख लीजिए, मेरे पास तो ट्रेन का पास है ना, बाकी खर्चे मैं मैनेज कर लूंगी। अरे लेकिन हाँ, उसको बोलना बाकी पैसे कल दे देंगे, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ तो रास्ते में बैंक से निकाल लूंगा। शर्ट निकाली थी वहां से। हे बप्पा, आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है जो हर वक्त मेरे प्लान की बैंड ही बजा देते हैं। मंजू ये पैसे? अब विनोद, ये पैसे मैंने पुन्नी के स्कूल के लिए अलग से निकाल के रखे थे। मैं जानती हूँ कि अब तुम मुझ पर ही गुस्सा करोगे। अरे लेकिन कभी तुमने मेरी जगह पे खड़े होके देखा है? अरे मानती हूँ मैं कि घर के लिए खर्चे होते हैं, लेकिन सेविंग करना भी तो जरूरी होता है। मंजू। क्या मंजू? और ये जो पैसे हैं ना, ये मैंने अपनी सैलरी में से बचा के रखे हैं, तुम्हारी सैलरी को मैंने हाथ तक नहीं लगाया। और घर के खर्चों के लिए मैंने पैसे दिए थे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपने पूरे पैसे लुटा दूंगी? मंजू क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या सच्ची तो कह रही हूँ मैं विनोद, जब से वर्षा घर छोड़ के गई है, सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे और मुझ पर आ गई है, और ऊपर से अर्जु भी अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पर आ गई। देखो मंजू तुम, उसकी भी तो खर्चे हैं, उनका क्या? ये क्या कह रही हो मंजू? पुनी और अर्चना के अलग है क्या? दोनों इस घर की बेटियां हैं, उन्हें संभालना इस घर की जिम्मेदारी है। आई माना कि दोनों की जिम्मेदारी हम पर ही है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। और क्या फर्क है ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। मंजू, मंजू, आई सच्चाई सच्चाई होती है और उसे झुठलाया नहीं जा सकता। अच्छा हुआ मंजू, तुमने आज मुझे सच्चाई दिखाई। ये 200 रुपए भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मंजू तुम नहीं, अर्चना की वजह से तुम दोनों में झगड़ा, ये मुझे मंजूर नहीं। मेरी बात तो यहाँ किसी को भी अच्छी नहीं लगती, सबको बुरा लग जाता है, लेकिन जो कुछ भी कहा मैंने सच ही तो कहा। झूठ क्या कह रही हूँ मैं, लेकिन किसी को सच बर्दाश्त ही नहीं होता है। ये अर्चू भी ना मेरे और विनोद के बीच दरार डाल के ही रहेगी है। मेरे बेटे ने देखा इसके गले में मंगलसूत्र और मुझे बताया, आई जा अपना मंगलसूत्र लेके आओ।
तो तू ये सब क्या कर रही है? ये साड़ी तो तुझे जीजू ने दी है ना, तो तू उसे अपनी साड़ियों से अलग क्यों कर रही है? तो क्या करूं इसे अपने साथ रखकर? बिजू, हमारा रिश्ता जिस धागे से बंधा हुआ था ना, वो आखिरी धागे ही आज उन्होंने तोड़ दिया। मेरा मंगलसूत्र मुझसे वापस मांग लिया। अभी चीज मेरे पास हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैशु, हमारा रिश्ता हम दोनों का था, हम दोनों ने इसे शुरू किया था, फिर आज इसे खत्म करने के लिए उन्होंने अपने आई का सहारा क्यों लिया? खुद क्यों नहीं आए मुझसे मंगलसूत्र मांगने? ताई कशी रड़ू नकोस ना गो, बस अब कुछ बाकी नहीं रहा। ये रिश्ता उन्होंने खत्म किया है ना वैशु, अब इसकी यादें मैं खत्म करूंगी। लिए जीजू को बुला पाना मुश्किल है ना ताई, शायद नामुमकिन। हाँ, लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन करके रहूंगी मैं। क्योंकि उन यादों के साथ रहना मेरे लिए नामुमकिन है। उन्हें भूलकर मैं अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ, एक ऐसी जिंदगी जिसमें मानव नाम के लिए कोई जगह ना हो, कोई जगह ना हो। जब से वर्षा घर छोड़कर गई है, सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे और मुझ पर आ गई, और ऊपर से अर्जु भी अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पर आ गई है, उसके भी तो खर्चे हैं, उनका क्या? आई, सच्चाई सच्चाई होती है और उसे झुठलाया नहीं जा सकता। कुछ भी बोल वर्षु, लेकिन तेरा घर छोड़ के आना तेरे लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। मतलब देखना, 2-4 दिन ही हुए लेकिन तू इतनी कॉन्फिडेंट लग रही है। तेरा काम करने का स्टाइल, तेरा एटीट्यूड, सब कुछ इतना बदल गया है। I must say, I'm quite impressed. It's all because of you, Rashmi. Seriously, तू ही हमेशा कहती है ना, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, फिर सारी चीजें आसान हो जाती है। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तू इतनी जल्दी सीख जाएगी। अब देखना, आसपास सब कुछ इतना बदल गया है। But you have adapted to it so fast, Varshu. And all the credit goes to both of you. क्या? सिर्फ हमें? फिर तो बॉस नाराज हो जाएंगे। मतलब? तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो हमारे बॉस का ही है। देखना, उन्होंने तुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, तुझे मोटिवेट किया, तुझे अप्रिशिएट किया, और तो और तेरी कामयाबी की खुशी में इतनी बड़ी पार्टी भी दी। थोड़ा बहुत क्रेडिट तो बॉस को भी मिलना चाहिए ना। चल, इस बारे में सोच, आई विल बी बैक सून। ये आदमी में पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। उसको छोड़ना, वो मजाक कर रही थी। लेकिन हाँ, बॉस ने जो तेरे लिए किया है ना, वो आज तक किसी के लिए नहीं किया। उससे एक बात तो साफ है, That he definitely likes you. Maybe just as a friend. ऐसे दोस्त सबको नहीं मिलते वर्षों। You're very lucky.
बाबा फिर आ रहे हैं आप। नहीं सारता। अब मैं बताऊंगा आपको। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूं कि जब से अर्चना वापस आई है हर एक को कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही, सबकी जेब पर बोझ पड़ रहा है और मैं नहीं चाहती कि अर्चना की वजह से आगे जाकर कुछ बखेड़ा हो। अर्चना ही कभी किसी की मोहताज थी और ना ही रहेगी, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अर्चु को आगे पढ़ाना चाहती हूं। मैं नाइट स्कूल में उसका एडमिशन कराऊंगी ताकि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सुलोचना, लेकिन आज ये सब कुछ अचानक। भाई तूने बिल्कुल सही फैसला किया है, हम सब मिलकर अर्चु को पढ़ाएंगे। ये ले पैसे और कल ही हम नाइट स्कूल में जाकर उसका एडमिशन करा देंगे। नहीं विनोद, इसकी जरूरत नहीं। मैं अपने बलबूते पर अर्चना को पढ़ाना चाहती हूँ। सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही।